अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो आप भी कह रहे होंगे मैंने व्लॉग आज बड़ा लेट स्टार्ट किया है, और वो भी काफ़ी दिनों बाद। असल में काफ़ी मसरूफियात थी तो बस टाइम नहीं मिला। तो अभी का सीन ये है, अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ, हमने बाइक नया लेना है, तो रेट काफ़ी ज़्यादा चढ़े हैं। रोज़ पर रोज़ डॉलर की प्राइस बड़ी होती है, पेट्रोल बड़ा होता है। मैंने कहा जा के ना बस रेट पता करते हैं और बाइक फायदा करते हैं। दोस्त का अभी मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, इन्होंने बाइक लेना है। बातें छोड़ दें, आप बातें छोड़ दें, बताएं मैंने कौन सा बाइक लेना है। आप इंशाल्लाह लेंगे होंडा 70 लेंगे। आपके आपके मैं कौन लेगा बाइक, बताएं ना यार। भाइयों भाइयों की चीज जो है वो ना, ठीक है। असल में ना हमारा जो माइंड है ना, जाके हम देखते हैं 70 भी देखते हैं, 15 भी देखते हैं, जो हमारी रेंज में अच्छा मिला ना हम वो ले लेंगे। एक और आता है मॉडल सिटी ड्रीम वाला, उस पर ही हमारा माइंड है, तो अभी जाके देखते हैं, फिर वहाँ जाके आप ज्वाइन करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी जनाब, अभी हम आ गए हैं होंडा के शोरूम पे बाइक लेने के लिए। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पहले ना हमें बाइक बुक करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब से ये करेंसी के अनस्टेबिलिटी स्टार्ट हुई है ना, तो बाइक पहले बुक करवाना पड़ता है, क्योंकि जो पहले बाइक मौजूद होते हैं वो उन्होंने पहले जिनको देने होते हैं उनके आए होते हैं। तो अभी मुझे लग रहा है हमने पहले बाइक को बुक करवाना है, कोई डाउन पेमेंट दे के 10-20 हज़ार रुपया, फिर हमें वो टाइम देंगे 2 हफ्ते का 3 हफ्ते का। तो जब हमारा बाइक आ जाएगा फिर हमें कॉल आएगी, फिर हमें बाइक मिलेगा। अभी हम बाइक पसंद करेंगे और उसकी डाउन पेमेंट दे के हम बाइक बुक करवाएंगे। अभी हम जा रहे हैं शोरूम के अंदर, शोरूम भी यहाँ से चेंज हो गया, पहले ये था वहाँ सब्ज़ी मंडी के पास, अब ये आ गया पुरानी चुंगी पे बैरोवाल के पास आ गया। चलें फिर चलते हैं, आ जाओ इस बात, चलें बातें छोड़ दो आप। हम जा रहे हैं जी शोरूम के अंदर, तो इनसे बात करते हैं कौन कौन सा बाइक अवेलेबल है, क्या इसकी प्राइस है। बुक कराने ते कितना टाइम लगेगा तो कोई पता नहीं इस चीज का। अच्छा अच्छा, अरे कल पिछले बार बुक होने कोई पता नहीं किस टाइम आने में। लंबी रहनी सेल्स नहीं करनी है, गोली रहनी है। चेक करो थोड़ी वीडियो बनाई है ना, आप चेक करो सर। नहीं नहीं मतलब हैंडलर रिटर्न करो ना, अपराइडर है ये भी अच्छा यार, अदा लाग कहीं होता है पुश है लाग है अदा। गाइस आपको बताते चलें, जो CD100 है इसका लॉक ये पुश करके फिर ये लगता है, काफ़ी हार्ड लॉक होता है इसका। अभी हम हमारे पास ये ऑप्शन आए हैं कुछ, दो यहाँ प्राइडर खड़े हुए हैं और दो ही यहाँ CD ड्रीम है। अभी हम आप साहब को दिखा रहे हैं, आप साहब को कौन सा पसंद है? आप साहब को प्राइडर पसंद है। 1,71,000 का बताया है शोरूम वालों ने इस टाइम जो पड़ा है, कल का कोई पता नहीं, वो इसलिए कि जो मुल्क के हालात हैं, LC बंद है, प्रोडक्शन बंद है, इस वजह से कोई पता नहीं कल का रेट क्या होगा। ज़्यादा ही होना, कम तो होना कोई नहीं। गाइस मैं बैटरी चेक कर रहा हूँ, उसकी रिस्पत जो नॉर्मल की रिस्पत है, गाड़ी की तरफ लग रही है, लेकिन अब मैंने बाइक चेक किया ना तो मैं लूँगा सुजुकी वालों का, कि उसके जो है ना एग्जॉस्ट शॉक्स हैं और वो गर्म हो गया। Thank you.
0349452188 हाँ जी गाइस, अभी हम शोरूम से बाहर आ गए हैं। सारा पता शता किया बाइक का, क्या रेट है, रजिस्ट्रेशन डाल के न्यू बाइक। पहले नंबर पे तो यार जो काम ख़राब है ना वो तो सबको पता है, एलसी बंद है, प्रोटेक्शन बंद है। वो तो उन्होंने पहले नंबर पे बात की थी कि भाई अभी कोई पता नहीं कब खुलेगा, कब स्टार्ट होगा, आज के रेट ये है। तो अभी हमने उनसे बात की, अगर हम आज के रेट की बात करें तो 1,34,000 रुपये उन्होंने हमें बताया नॉर्मल सिटी 70 का, और 1,71,000 बताया उन्होंने 100 का, जिसे प्राइडर कहते हैं, और 1,95,000 उन्होंने बताया हमें 125 का। तो हमारे दोस्त ने तो लेना था सिटी 70, तो उसकी हमने बात की है उनसे, तो वो उन्होंने हमें बताया जी डॉक्यूमेंट डाल के। हमारे बिलाल भाई के ना दोस्त निकल आए हैं, तलक वाले निकल आए हैं, तो उन्होंने कहा आपको हम गुंजाइश करके फाइनल कर देंगे 1,34,000 का डॉक्यूमेंट समेत, 7,500 रुपया था डॉक्यूमेंट का, 8,000 तकरीबन फाइल बना के। उन्होंने हमें कहा जी 1,34,000 रुपया आपको हम कर देंगे फाइनल। तो उन्होंने नंबर ले लिया हमारा, जैसे ही उनको कॉल आएगी पीछे एजेंसी से हमें वो कॉल कर देंगे, तो हम आके अपना बाइक इनके पास बुक करवा देंगे पेमेंट करके। और डाउन पेमेंट का सीन नहीं है, अब पेमेंट हमने फुल करनी है, हमारा बाइक हमारे नाम पे ये नोट कर लेंगे। तो तकरीबन महीने का टाइम लगेगा, महीने पर जैसी बाइक आएगा हमें फोन आ जाएगा। अभी हम चलते हैं इनके शोरूम में, आपको दिखाते हैं कैसे इनका काम चल रहा है, जो ये रिपेयरिंग वाला करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये गाइस यहाँ वर्कशॉप है, रिपेयरिंग हो रही है बाइक्स की, इनके एक्सपर्ट मैकेनिक हैं जो मोटरसाइकिल का काम कर रहे हैं, इनके अपने कंपनी के बंदे हैं। काफ़ी इनके पास लेटेस्ट मशीनरी भी पड़ी हुई है जिससे ये काम करते हैं। हाँ जी गाइस, अभी हम जा रहे हैं वापस, हमारा बाइक मिला तो नहीं लेकिन कुछ बातें तो पड़ी भी ली हैं, जो हम नेक्स्ट टाइम आएंगे वो हमने पहले कर ली हैं। अभी हम फ़ोन का वेट करेंगे, जब हमें यहाँ से फ़ोन आएगा फिर हम यहाँ आके अपनी पेमेंट कर देंगे पूरी, और अपने बाइक का वेट करेंगे। इश्फाक भाई यार ये देखो काफ़ी बाइक लगे हुए हैं, थोड़े थोड़े यूज़ में हैं, ये चेक करो इनका रेट पता करते हैं। यार इनके ना बंदे को सेटिस्फिकेशन ही होती है यार, देखो ये काफ़ी बाइक लगे, इनमें से पसंद कर लो कोई। ये बिल्कुल जीरो, ये इसकी नंबर प्लेट भी नहीं लगी, ये चेक करो हाँ कितना चला हुआ है। लाल भाई चेक करना कितना चला ये वाला बाइक, चेक करें कितना चला हुआ ये। नहीं नहीं यार मेरा यार ये भी मिल जाएगा आपको, कुछ भी नहीं यार 4,000 दो महीने की मारा सिर्फ, ये ले लो सही मिल जाएगा बारे में। मॉडल भी नया है ना, नया मॉडल है इशफाक का दिल है, पैसे भी लगाऊं तो चीज़ ही पुरानी हो, इसलिए कह रहा है 0 मीटर बाइक लेना है भाई। ठीक है ना, 1,25,000 रुपया लगाना है तो इसलिए अनटच चीज़ लेनी है। ठीक है तो चलें फिर आएंगे। हाँ जी गाइस, अभी हमें बाइक तो मिला नहीं है लेकिन हमें इन्होंने 1 वीक का टाइम दे दिया है, एक वीक बाद हम यहाँ इस शोरूम में आएंगे। आप देख सकते हैं लाला मूसा में एक ही शोरूम है, यहाँ हम आएँगे और अपना बाइक बुक करवा देंगे। तो इससे पहले मैं ब्लॉग कमेंट करूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही हम बाइक लेने आएँ वो वाला ब्लॉग बनाए आप तक पहले पहुँच सके। तो आपसे इजाज़त देते हैं, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।